आज मैं एमटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के तरफ से एक जॉब का रिक्वायरमेंट लेके आई हूँ, जहाँ पे तुम्हारा देख सकते हो फ्रेशर्स इज़ एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसीज, बट तुमको एमटेक करना है और वो भी स्पेशलाइजेशन तुम्हारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हारा जो कंपनी है सनरिया, यहाँ पे देख सकते हो सनरिया SANRIA सनरिया इज़ हायरिंग फ्रेशर्स एमटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग 2022 बैच। ओके, 2022 बैच स्टूडेंट को यहाँ पे इसके लिए वैकेंसीज आ रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 2022 बैच फॉर इट्स बेंगलोर डिविजन्स। ओके, बेंगलोर डिविजन्स के लिए देयर विल बी अ वर्किंग इंटरव्यू। यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा वर्किंग इंटरव्यू होगा तुम्हारा 21 अगस्त 2022। ओके, 21 अगस्त 2022 में तुम्हारा वर्किंग इंटरव्यू होगा। मैं डिटेल्स थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट जो यहाँ पे तुम देख सकते हो स्क्रीन में, यहाँ पे बोल रहे सनरिया फ्रेशर्स वर्किंग इंटरव्यू एमटेक। ओके, जहाँ पे तुम्हारा जॉब लोकेशंस है बेंगलोर, और इसका डेट है यहाँ पे देख सकते हो, डेट जो है तुम्हारा 21 अगस्त 2022, और यहाँ पे तुम्हारा सैटरडे 10 AM। ओके, सैटरडे 10 AM, मतलब 10 AM से तुम्हारा स्टार्ट होगा इंटरव्यू। कितना टाइम चलेगा वो नहीं बोल रहा है, बट तुमको 10 AM के अंदर वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, और उसका डेट यहाँ पे तुम्हारा जो मेंशन किया 21 अगस्त 2022। तो यहाँ पे तुम्हारा एमटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग 2022 बैच ओनली यहाँ पे पास आउट होगा। एंड तुम्हारा जो एकेडमिक एवरेज जो होगा तुम्हारा, वो तुम्हारा 75% और हायर। ओके, एकेडमिक एवरेज ऑफ 75% और हायर, मतलब 75% तुम्हारा मिनिमम तुम्हारा परसेंटेज जो है तुम्हारा एकेडमिक करियर में, वो तुम्हारा 75% मिनिमम, बट उसके ऊपर होगा 75% अबव होगा तो वो अच्छा है, बट मिनिमम तुम्हारा 75% तुम्हारा एकेडमिक एवरेज होना चाहिए। ओके ओके, देन तुम्हारा जी इंटरव्यू लोकेशंस यहाँ पे देख सकते हो, इंटरव्यू लोकेशंस जो है सनरिया इंजीनियरिंग एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो जहाँ पे तुम्हारा कर्नाटका यहाँ पे तुम्हारा पिन कोड भी देख सकते हो मैसूर में होगा। तो इस लोकेशन में तुमको जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा, दिस लोकेशंस। ओके, जो तुम्हारा इन्फोसिस के पास होगा, नियर एरिया तुम्हारा इन्फोसिस के पास। ओके, और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा, तो मतलब वॉकिंग इंटरव्यू के टाइम में जाने के लिए कुछ प्रॉब्लम होगा, और अदरवाइज कुछ डाउट है तो क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे इन लोग दिए हैं, दो कॉन्टैक्ट नंबर है, एक तुम्हारा 7899422468 और एक नंबर है यहाँ पे 7624959225। ये दोनों नंबर पर तुमको कॉल करके कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। देन तुम्हारा ये जो तुम्हारा एक मेल आईडी है, ठीक है, दिस मेल आईडी में भी तुम्हारा कुछ डाउट है तो तुम यहाँ पे पूछ सकते हो फॉर कुछ मतलब पूछना है तो। और यहाँ पे एक काम भी कर सकते हो, ये जो मेल आईडी है, दोनों मेल आईडी में सीबी भी भेज दो ना, ठीक है, सीबी भी भेज देना, जो मतलब अप्लाई फॉर द, यहाँ पे सीबी भेजने के टाइम में ये जो मेल आईडी है, दिस मेल आईडी में जब भेजोगी तब तुम्हारा मेंशन करोगी तुम्हारा नाम, सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट मेंशन करना है, क्या सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हो, एमटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। ओके, सब्जेक्ट मेंशन करना है एमटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ऐसा करके मेंशन करके थोड़ा सा तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ा सा लिखना, मतलब आई डियर सर और मैम आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज, ऐसा करके कुछ थोड़ा लिखना, लिख के तुम्हारा सीवी अटैच करके वहाँ पे भेज देना। बट यहाँ पे बोला है इतना करने का ज़रूरत भी नहीं है, तभी भी सेफ साइट कर दे सकते हो, बट तुमको इंटरव्यू देने के लिए तुमको जाना ही पड़ेगा, ठीक है, तुम्हारा कर्नाटका मैसूर में तुमको जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। ओके, आई होप मैं पूरा डिटेल्स कवर चुकी हूँ, तभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना, और ऐसा टाइप वीडियो तुम लोगों को लिए मैं हमेशा लेके आती हूँ, ओनली फॉर प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट का भी, और उसके साथ तुम्हारा कुछ इंटर्नशिप है तो वो भी लेके आती हूँ। तो इसीलिए नोटिफिकेशंस को अपडेटेड पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि रोज़ मैं जॉब का रिक्वायरमेंट लेके आती हूँ नया नया चीज़ का, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर दो। ओके, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, और जिन लोग वॉकिंग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उन लोग कमेंट बॉक्स में भी बता देना हम लोग वॉकिंग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ओके, चलो, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।